आई है उसका नाम है साइक्लोवा। इस प्रोडक्ट का नाम साइक्लोवा क्यों रखा गया, क्योंकि लेडीज में जो ओवम होता है, एग जिसको हम कहते हैं, जो अंडा होता है उसको ओवम कहते हैं, और साइकिल मतलब पीरियड्स की साइकिल को अच्छा रखता है, इसलिए इसको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है जो पीरियड्स के साइकिल को नॉर्मल करने में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे काम करता है। आज हम डिटेल में जाके इस पे बात करेंगे। लेडीज में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल चल रही है, पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है। आज दोनों में हम थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे और क्या प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, तो इस पे भी हम आज डिटेल में बात करेंगे। कहते हैं इसको अगर बेसिक से अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिक चीजें अगर हम इस पे बात करें वो क्या है, आज जो ये पीसीओडी पीसीओएस का जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं ये क्या है, मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। ये स्पेशली जो यंग लेडीज है जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है, मतलब जो आगे चलकर कंसीव करने वाली है या आगे चल कर प्रेग्नेंट होने वाली है या बच्चे के लिए आगे प्लान कर रही है, इस एज में ज्यादा ये सारी चीजें देखी जा रही है। ये प्रॉब्लम खासकर इस एज में, रिप्रोडक्टिव एज में जो लेडीज है उनमें ज्यादा देखा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन आज बहुत बड़ा रीजन बन गया है लेडीज में इनफर्टिलिटी का, मतलब कंसीव नहीं कर पा रही है, बच्चा आगे करने में बच्चा करने में प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी लेडीज को। कहते हैं जितनी भी लेडीज आज 15 से लेकर 30 साल के बीच में, लगभग 36% लेडीज में ऐसी प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जा रही है। ये पीसीओडी पीसीओएस में होता क्या है, बेसिकली दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, दोनों बहुत हद तक सेम भी हैं। सेम में अगर मैं बात करूं, इन दोनों केसेस में पीरियड्स इररेगुलर हो जाते हैं, मतलब पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। लेडीज का जो ओवरीज होता है वो एक मेल हार्मोन भी बनाता है, जैसे जेंट्स में जो हार्मोन बनता है, लेडीज का भी जो ओवरी होता है वो भी उस हार्मोन को थोड़ी बहुत मात्रा में बनाता है। लेकिन जब ये वाली प्रॉब्लम होती है ना, तो लेडीज का जो बॉडी होता है, ओवरीज होता है, अंडाशय होता है, वो ज्यादा वो हार्मोन मेल हार्मोन बनाने लगता है, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, जिसकी वजह से आगे मैं दिखाऊंगी चेहरे पे बाल आना, बॉडी में ज्यादा हेयर हो जाना, ऐसे फेशियल हेयर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत सारी लेडीज के जो ओवरीज होता है उसमें गांठे होना स्टार्ट हो जाती है, सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा हम एक वीडियो में देखेंगे। अभी ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये ओवरीज है, ये ओवरीज में जो एग होता है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे वो एग पूरा मैच्योर हो जाता है, अंडा पूरा मैच्योर हो जाता है, तब वो निकलकर इस ओवरीज से फेलोपियन ट्यूब में जो होता है उसमें चला जाता है। लेकिन जब लेडी में ये पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, तो ये ओवरीज का जो एग है वो निकल ही नहीं पाता है इस ओवरी से, और इसी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बनकर जमने लगता है, मतलब गांठे बनकर उसी ओवरी में अंडाशय में जमने लगती है, जिसको आगे चलकर हम पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम कहते हैं। अगर बात करें इसको, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि पीसीओडी और पीसीओएस का मतलब क्या है, पीसीओडी इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डिजीज का मतलब होता है कि कोई बीमारी है, कहाँ है, ओवरीज में है, अंडाशय में है, और पॉलीसिस्टिक का मतलब बहुत सारी गांठें, बहुत सारे सिस्ट बनने लगते हैं जब ओवरी में, उसको हम पीसीओडी कहते हैं। लेकिन अगर उसके साथ बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गया, सिंड्रोम बन गया, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होने लगी, उसको हम पीसीओएस कहते हैं। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल भी बताया, ये लेडीज की ओवरीज होती है, यहाँ से वो एग निकलकर इस ट्यूब में आता है और तब जाकर फिर फर्टिलाइजेशन होता है और आगे चलकर लेडी कंसीव करती है। लेकिन हम बात करें दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज देखी जाती है कि दोनों जो बीमारी है, दोनों जो प्रॉब्लम है वो ओवरीज अंडाशय में ही स्टार्ट होती है, और दोनों में हॉर्मोन्स का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे बात करें पीसीओडी में क्या होता है, जो अंडे होते हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते और धीरे धीरे वो सिस्ट बनने लगते हैं, पीरियड्स टाइम पे नहीं आता, पेट के पास बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा फैट जम जाता है, बच्चा पैदा करने में इनफर्टिलिटी हो जाती है, प्रॉब्लम आने लगती है, और बहुत ज्यादा जैसे जेंट्स के बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं वैसे लेडीज में भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है। इसीलिए बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो ओवरीज होता है, अंडाशय होता है, उसका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपका जो मेल हार्मोन है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। पीसीओएस की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें क्योंकि इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला जाता है, इसमें बहुत सारी लेडीज को सिस्ट भी होने लगता है, बहुत सारी लेडीज के पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, बहुत सारी लेडीज को डायबिटीज का प्रॉब्लम देखा जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम देखा जाता है, चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल होने लगते हैं, चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल आने लगते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी में जो जेंट्स हार्मोन होता है वो ज्यादा बनने लगता है,
और ये एक सीवियर केस माना जाता है। पीसीओडी से सीवियर केस पीसीओएस को बोला जाता है। अब बात करें दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो जो जो हमारा पीसीओडी का प्रॉब्लम है उसमें लेडी कभी कभी ओवुलेट करती है, मतलब उसमें कंसीव होने के चांसेस जो होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, और बहुत सारी लेडीज जो पीसीओएस का प्रॉब्लम है उनमें जो ओवुलेशन है उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो एग होता है वो अच्छे से बन नहीं पाता है। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि पीसीओडी का अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मेडिकल हेल्प लेके हमें कुछ आगे बेनिफिट दिख सकता है। जस्ट एक मिनट के लिए मैं होल्ड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। पीसीओडी की प्रॉब्लम में क्या देखा जाता है, लेडीज जो होती हैं, बहुत सारी लेडीज होती हैं, अगर उनको मेडिकल हेल्प थोड़ा सा मिले तो वो कंसीव करने के चांसेस उनके होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, बहुत सारी लेडीज जो होती हैं पीसीओडी में, खासकर पीसीओएस की जो प्रॉब्लम देखी जाती है उसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है, और इस सारे केसेस में जो मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं वो ज्यादा देखे जाते हैं। इसीलिए पीसीओएस और पीसीओडी आज एक अलार्मिंग रेट पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है, स्पेशली जो लेडीज कोलकाता साइड की है, एक रिपोर्ट में आया था 50% लेडीज में ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा देखी जा रही है, जो 15 से 30 इयर्स के बीच में ज्यादा देखा जाता है। तो आज अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और कहते हैं हर तीसरी लेडी में एक को ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। बात करें इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। जस्ट मैं होल्ड करूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, एक मिनट के लिए। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है जो आज देखा जा रहा है। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा कारण देखा जा रहा है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। डायबिटीज एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में जाकर आगे डायबिटीज के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारी लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई, आज तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कहते हैं हर तीसरे में से एक लेडी को आज मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम देखी जा रही है, पीरियड्स हो रहे हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारी लेडीज को जो पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी लेडीज का जो स्ट्रेस लेवल है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पीसीओएस को आगे बढ़ाने का। अगर आप खाने में ज्यादा राइस खा रहे हो, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, ज्यादा बाहर का चीजें खा रहे हो, या आप ऐसी चीजें खा रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, या ऑयली चीजें खा रहे हो, तो ये भी आगे चलकर पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम को लेकर आता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी आगे चलकर पीसीओडी पीसीओएस को बढ़ा देता है। थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए अब मैंने थाई हेल्थ के भी प्रोग्राम में, जो थाई हेल्थ का हमारा ट्रेनिंग था उसमें भी मैंने डिटेल में जाकर बात किया था कि थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो भी आगे चलकर आपके पीरियड्स के जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देता है अगर आपका थायराइड बैलेंस नहीं है। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप खाना खा रहे हो लेकिन बॉडी उसको अच्छे से ले नहीं पा रहा है, तो भी आगे चलकर पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम करता है। कहने का मतलब क्या है, रीजन तो बहुत सारे हैं। इसीलिए अगर देखा जाता है, मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज को भी देखा है जिनकी एज हो जाती है, उनको लगता है कि अब तो मैं पीरियड्स जो है अभी तो मेरी उतनी एज नहीं है तो अब मेरे पीरियड्स नहीं भी आएंगे। मतलब एक एज होता है 45-50 के बाद लेडीज में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज में कभी कभी ये पहले ही स्टार्ट हो जाता है। 30-35 साल के बाद ही बहुत सारी लेडीज में अगर पीरियड्स आना बंद हो जाता है, वो उतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि बच्चे हो गए तो उतना वो ध्यान नहीं देती। अगर इस प्रॉब्लम को हम प्रॉपरली डायग्नोस नहीं करते हैं तो फ्यूचर में जाकर लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज में प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर तक के चांसेस, बहुत सारी लेडीज में कैंसर के चांसेस देखे जाते हैं, यूट्रस का कैंसर, ओवरीज का कैंसर, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती, ऐसी बहुत सारी इश्यूज देखी जाती है अगर आपको पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि बहुत कम लेडीज है जो ध्यान देती है कि अगर मेरे पीरियड्स टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना इसीलिए जरूरत है।
इसमें एक्चुअली बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। आज हम मेनली अपने प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। बस कुछ सिम्टम्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है। बोलते हैं कि इसमें बहुत सारी लेडीज में पीरियड्स इरेगुलर आने लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा, कभी बहुत जल्दी आने लगेगा, कभी हैवी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एग जो होते हैं वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाते, बड़े नहीं हो पाते, गांठे बनने लगती है, सिस्ट बनने लगती है और प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अगर हम स्किन और हेयर की बात करें, स्किन पे बहुत ज्यादा बाल आने लगते हैं, जैसे आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किन पे बाल आने लगते हैं। क्यों? फीमेल में जेंट्स हार्मोन, मेल हार्मोन जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो चेहरे पे बाल आने लगते हैं। बहुत सारी लेडीज को पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है, स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल आ जाते हैं, या आप जैसे इस फोटो में देख रहे हैं पैचेस में बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अच्छा खासा एरिया होगा जिससे बाल चला जाएगा। और कुछ लोगों में बॉडी के कुछ पार्ट्स पे, ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो है, ऐसे काले काले मार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो आप पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मार्केट में इसका क्या ट्रीटमेंट है? बहुत सारे हार्मोनल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। आज से बहुत साल पहले एचआरटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाते थे। जो हार्मोन बॉडी नहीं बना पा रहा है उसके ट्रीटमेंट दिए जाते थे और आगे चलकर वो कैंसर होने के भी चांसेस देखे गए। बहुत सारे केसेस में डायबिटीज हो गया, डायबिटीज की दवा दे दी जाती है, थायराइड हो गया, थायराइड की दवा दे दी गई, और भी बहुत सारे सिम्टम है उसके लिए भी अलग अलग दवाइयां दे दी जाती है। मतलब एक सिंगल इंसान इतनी सारी दवाइयां खाना स्टार्ट कर देता है कि उसके और भी साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत सारी लेडीज में आगे चल के आईवीएफ की, मतलब उनको डॉक्टर कहते हैं ठीक है बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप आईवीएफ करवा लीजिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके लाखों के खर्चे होते हैं। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट निकाला है माइंडफ्रेंड, जो एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है और उस एज की लेडीज के लिए काम करता है जो रिप्रोडक्टिव एज में है। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे, इसका जो फोटो भी है, इस फोटो में भी पीसीओडी को एक सर्कल में करके लिखा गया। जब आपको ध्यान से देखेंगे तो ये पीसीओडी, मतलब ये फोटो ही आपको बताता है कि ये पीसीओडी की प्रॉब्लम पे काम करता है। बात करें इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले, इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें बहुत सारे डाले हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताती हूँ। कंचनारा जो होता है, आज सुबह जब मेरी नारायणा सर से बात हुई तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स आप तक पहुंचाने के लिए बोले। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कंचनारा है, आप किसी पार्क वगैरह में जाएंगे तो आपको उसके पेड़ दिखेंगे, जैसे आप इसके पत्ते को देख सकते हैं, वो बीच से आधे डिवाइड होते हैं। इसके मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है, स्पेशली ये पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम में। कहते हैं जिन लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी नहीं है और अगर वजाइना का कुछ डिसऑर्डर हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों को वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, तो चरक ने अपने चरक संहिता में ये तक लिखा है कि कंचनारा जो है इस प्रॉब्लम पे बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस को अच्छा रखता है, आपके थायराइड को अच्छा रखने में मदद करता है। और अगर किसी लेडी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के टाइम पे, उस टाइम पे कंचनारा एक बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको भी सिस्ट का प्रॉब्लम है, ग्रंथों में लिखा है कि कंचनारा जो है वो आपके सिस्ट, जो गांठे हैं, उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है। और ये ओबेसिटी को कम करने में भी कंचनारा मेडिकली प्रूव किया गया है कि वो ओबेसिटी को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करें, हमने इसमें क्या किया है, हमने कंचनारा को और 3 हर्ब्स के साथ मिलाया है जो एक साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जैसे हमने इसमें शिगरू, वरुणा और सिरसा। सिगरू हम घर में यूज करते हैं, जिसको हम, आपने घर में कभी ना कभी इसको जरूर यूज किया होगा, इसको हम ड्रमस्टिक्स भी कहते हैं, सहजन भी कहते हैं। ये सिगरू को जब हम मिलाते हैं, इन 4 इंग्रेडिएंट्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं, तो वो मल्टीपल तरीके से काम करता है, वो आपके प्यूटिट्री पे भी काम करता है। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में, स्पेशली लेडीज की बॉडी में, बहुत सारे ऑर्गन हैं जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में, अच्छा रखने में मदद करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा प्यूटिट्री ग्लैंड, जो दिमाग के पीछे होता है, थायराइड पे काम करता है। और आप जो खाना खा रहे हैं, खाना बॉडी अच्छे से ले पाए, उसको अच्छे से यूज कर पाए, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में मदद करता है। उसके बाद हमने जो एक दूसरी चीज में डाली है वो है गूगल सुद्धा। याद रखिएगा, ये जो शुद्ध जिस चीज के आगे लगा है, जैसे आप अपने बॉक्स पे जब इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको 3 इंग्रेडिएंट्स के आगे ये शुद्ध लिखा होगा, एक हमारा गूगल के आगे लिखा होगा, एक हमारा शिलाजीत के आगे लिखा होगा और तीसरा हमारा हींग के आगे लिखा होगा। इसका मतलब होता है इन चीजों को प्योरिफाई करके लाया गया, शुद्ध करके लाया गया, उसके सारे इम्प्योरिटीज को हटा दिया गया है। क्योंकि
ये जो गुगुल है ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है और बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में गुगुल को यूज किया जाता है। इसको एक्चुअली एक स्पेशल तरीके से उसको साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि ये इसको पौधों के बार्क से निकाला जाता है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे आप फोटो भी देख रहे हैं साइड में, पेड़ के आगे ना कभी कभी आपने देखा होगा रेजिन लटके होते हैं, या पेड़ के आगे आपको एक ऐसी कोई चीज लटकी हुई दिखती है, इसको लिया जाता है। और इसमें बहुत सारा कंटेमिनेशन होता है, इसमें जर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, धूल हो सकता है, तो इसको लेकर पहले प्योरिफाई किया जाता है। और जब हम इसको साफ करते हैं, प्योरिफाई करते हैं, तो इसकी जो क्षमता होती है काम करने की, जो एफिशिएंसी होती है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आप इस शुद्ध गुगुल को अपनी बॉडी में लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाता है। इसके दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो ग्रंथाज में लिखे हैं, वो क्या है? पहला बेनिफिट है कि ओबेसिटी, जो मोटापा है, उसको कम करता है, और दूसरा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। और हमारे बहुत अच्छे क्वांटिटी में ये हमारे प्रोडक्ट में डाला गया है। दूसरी चीज जो हम बात करेंगे शिलाजीत के ऊपर, शिलाजीत बेसिकली बहुत सारे लोगों को पता है कि जेंट्स की अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसमें शिलाजीत यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे आयुर्वेदा और हजारों सालों से, 3000 सालों से आज शिलाजीत को एज अ नेचुरल सप्लीमेंट यूज किया जा रहा है, आज से नहीं, हजारों सालों से। लेकिन इस हर्ब का लेडीज के हेल्थ बेनिफिट पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, इसमें फुल्विक एसिड नाम का एक एसिड पाया जाता है, जो क्या करता है, आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है, अच्छी चीजें हैं, उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत जो होती है वो ज्यादा होती है। इसीलिए इसके बहुत मेडिकल बेनिफिट्स लेडीज की बॉडी पे देखे जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा काम करता है आपकी लेडीज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलर रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और जिन लेडीज का साइकिल रेगुलर नहीं है उसको रेगुलर करेगा। पेन होता है बहुत ज्यादा पीरियड्स के टाइम पे, उस पीरियड्स के पेन को कम करता है। दूसरी चीज, लेडीज का लाइफस्टाइल ऐसा है, घर भी संभालना है, बच्चे भी है, काम भी करना है, तो बहुत सारी लेडीज दिन भर में बहुत ज्यादा थक जाती हैं। तो जब आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं, शिलाजीत जो है वो एनर्जी लेवल को भी बूस्टअप करने में मदद करता है। मतलब आप दिन भर अगर काम वगैरह भी करोगे तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो एनर्जी लेवल को भी अच्छा करता है। और बात करें लेडीज में, आजकल कुछ कैंसर बहुत कॉमन हो गए, जैसे लंग का कैंसर, ओवेरियन का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, ये कैंसर से भी बचाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो फुल्विक एसिड है ये कैंसर के सेल्स के ग्रोथ को रोक देता है, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो आजकल लेडीज में आपने सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरीज का कैंसर हो गया, तो कहीं ना कहीं उससे भी हमें प्रिवेंट करता है। और आपकी स्किन को अच्छा रखने में मदद करता है, स्किन पे जो झुर्रियां रिंकल्स आ रहे हैं उसको भी शिलाजीत जो है वो उसको हेल्प करता है अच्छा रखने में। और लेडीज में हड्डियों की प्रॉब्लम होती है तो हड्डियों के भी हेल्थ को अच्छा रखने में शिलाजीत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसमें भी हमने नॉर्मल शिलाजीत यूज नहीं किया, उसको शुद्ध करके जिसका प्योरिफाइड शिलाजीत है वो उसमें यूज किया गया है। तीसरी जो हमने चीज इसमें यूज किया, ये हम सबके घर में यूज होती है, जिसको हम हींग भी कहते हैं और अशपतीड़ा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो हम सबको पता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा है। याद रखिएगा माय फ्रेंड, मैंने हमेशा हर ट्रेनिंग में बोला है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट बस एक चीज पे काम नहीं करता, उसके रूट पे जाता है। जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो थायराइड भी इशू हो सकता है, आपका पिट्यूटरी भी इशू हो सकता है, आपका डाइजेशन भी इशू हो सकता है। तो हर चीज पे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जाते हैं, तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, फर्टिलिटी में मदद करता है, जिन लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, उनमें हींग बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? हींग एक नेचुरल ब्लड थिनर होता है और पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उनको रोकता है और जो पीरियड्स का जो फ्लो है उसको स्मूथ रखता है, जिसकी वजह से ज्यादा कमर या बैक में दर्द नहीं देखा जाता है और आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में और साइकिल को अच्छा रखने में मदद करता है। कहने का मतलब क्या है, जब हमने इन तीन चीजों को मेथी के साथ मिलाकर दिया, अगर आपको याद होगा तो मेथी हमने किस में डाला था, संस्कारित मेथी करके हमने अपने वेल हार्ट में डाला था। वेल हार्ट में जो हमने संस्कारित मेथी डाला उसका भी रीजन यही था, ये ट्राइग्लिसराइड बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लेकिन जब इन चारों चीजों को हम एक साथ डालते हैं, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है,
वेट को भी कम करता है, जो ज्यादा जो हमारे बॉडी में मेल हार्मोन बन रहा है उसको भी लिमिट में करता है और आपके प्यूटिटरी पे काम करता है। याद रखिएगा, फीमेल बॉडी में प्यूटिटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्यूटिटरी आपका एक ऐसा हार्मोन बनाता है जिसकी वजह से आपके जो एग होते हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता है जब एक लड़की पैदा होती है उसके बॉडी में कम से कम 10 से 20 लाख उसके ओवरी में एग होते हैं, लेकिन जब लेडी के पीरियड स्टार्ट होते हैं 13-14 साल के बाद, तो 13-14 साल की उम्र में बस 3 लाख ही अंडे बच जाते हैं और पूरे लाइफ लेडी बस 400 से 500 एग ही उसके मेच्योर हो पाते हैं। तो ये एग को मेच्योर करने का काम प्यूटिटरी करता है, जो हमारे इस प्रोडक्ट में जो इंग्रीडियंट डाले गए वो आपकी प्यूटिटरी को भी सपोर्ट करने में मदद करता है। साइक्लोवा को नोवेल फॉर्मूला क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसमें शतावरी और शिलाजीत जो है वो आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, ओवरीज को अच्छा रखता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने काशिशा सुद्धा पाउडर डाला है। ये क्या है, ये एक आयुर्वेदिक फॉर्म ऑफ आयरन है और बहुत सारी लेडीज जिनको पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है उनमें अनीमिया का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो ये जो है ये नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को आयरन प्रोवाइड करता है, इसीलिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, अगर कभी किसी लेडी को साइक्लोवा लेने के बाद स्टूल अगर हल्का काला आए तो टेंशन मत लीजिएगा, ये काशिशा की वजह से हो सकता है। तो ये एक नेचुरल फॉर्म आयरन है जो आपको बहुत सारी जगहों में पहले के जमाने में भी यूज किया जाता था, जो आपके बॉडी में आयरन की कमी जो है उसको अच्छा रखने में मदद करता है। तो साइक्लोवा कैसे काम करता है, साइक्लोवा 9 अलग अलग तरीकों से काम करता है। जैसे आपके थायराइड के फंक्शन को अच्छा रखता है, जो मंथली पीरियड्स की साइकिल है उसको बैलेंस करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, मतलब आप जो खाना खा रहे हैं बॉडी अच्छे से ले पा रहा है, ओबेसिटी को कम करता है, आपके यूट्रस को प्योरिफाई करता है, उसको साफ करता है, खून की कमी से लड़ता है, अच्छे क्वालिटी के एग बनाता है, और दूसरी चीज आपके ओवरीज के फंक्शन को अच्छा रखता है, और एक पॉइंट और है वो क्या, आपके प्यूटिटरी पे भी काम करता है। नारायणा सर का कहना है कि दो तरीके की लेडीज हैं, एक तो ऐसी लेडीज होंगी जिनको अभी मतलब कंसीव करना है या प्रेगनेंसी के लिए वो ट्राई कर रही है, इससे बहुत सारी लेडीज सीरियस हो जाती हैं कि हाँ मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट लेना है कि मेरा सारा कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन ऐसी भी लेडीज हैं जो अभी पीरियड्स जिनका अभी वो कंसीव के लिए ट्राई नहीं कर रही है, तो उनका भी हेल्थ अगर अच्छा तभी रहेगा जब उनका साइकिल पीरियड सब नॉर्मल हो। तो ये हर तरीके की लेडीज जो है उनको ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं, अगर उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम पीसीओडी का प्रॉब्लम अगर है और पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, तो हर तरीके की लेडीज इस प्रोडक्ट को ले सकती है। किसको देना है, जिनको भी पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीरियड्स भी अगर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को वुमेन कंपेनियन के साथ भी कॉम्बिनेशन में बनाकर दे सकते हैं। नाश्ते करने के बाद आपको एक कैप्सूल लेना है और रात में खाना खाने के बाद आपको एक कैप्सूल देना है, मतलब दो बार आप ले सकते हैं। अगर कभी आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब पीसीओएस का प्रॉब्लम है, ज्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप चाहे तो क्या जो डोजेज है उसको कुछ दिनों के लिए आप डबल भी कर सकते हैं, एक या दो कैप्सूल भी आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और कभी भी किसी को ये नहीं बोलना है कि अब बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है अच्छा कंसीव नहीं कर पा रहे, ये प्रोडक्ट लो कंसीव हो जाएगा। देखिए, हमारी कंपनी कभी भी किसी से कोई फेक प्रॉमिस या कभी भी कुछ गलत बोलकर प्रमोट नहीं करती है। हमारी कंपनी जो बात करती है फैक्ट पे बात करती है, इसे हम कभी भी ऐसा नहीं कहते। अगर कोई लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है और उनको ये सारी चीजें वो ट्राई कर रही है, तो उनको आप कह सकते हैं उसको ट्राई करने से पहले आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो और हेल्थ को अच्छा रखो और आपके पीरियड्स को नॉर्मल करो। अगर पीरियड्स नॉर्मल हो गए, ओवम अच्छा बन रहा है, सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो कंसीव करना ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट आप किसी को देते हैं तो आप ये बोलकर उनको दीजिए, कभी भी किसी को आपको कोई गारंटी करके, मदरहुड की गारंटी करके आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। बात करें ये जो प्रोडक्ट है साइक्लोवा, ये यूनिक क्यों है, माइनोफिन ऐसा कॉम्बिनेशन मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। आप मार्केट में सर्च करिए, हमारे जो भी यहाँ पे हमने लगभग 8 से 10 हमने इंग्रेडिएंट्स जो डाले हैं, मार्केट में ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। मार्केट में अगर ये जड़ी बूटियां मिलेंगी भी ना, तो आपको अलग अलग डब्बे में अलग अलग जड़ी बूटियां मिलेंगी, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, इसको आज से नहीं 10 सालों से शर्मा ब्रदर्स सर की जो फैमिली है वो 10 सालों से बहुत सारी गवर्नमेंटल जो डिस्पेंसरीज वगैरह है उसमें बहुत सारे लेडीज को ये हमने रिजल्ट दिया, उन्होंने दिया है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आज तक मिले हैं। और बहुत सारी लेडीज को, लगभग 60% लेडीज को 6 मंथ्स के यूजेस में ही बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो गया है।
तो बॉडी बॉडी पे डिपेंड करता है, कुछ को ज्यादा टाइम लग सकता है, कुछ को बहुत ही कम समय में भी रिजल्ट आ सकता है अगर उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, डाइट अच्छा है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। नारायण सर का कहना है अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, एक बार थायराइड का हेल्थ चेक करवाइए, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है थाई हेल्थ भी दे सकते हैं, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है फाइट स्ट्रेस भी आप दे सकते हैं, लेकिन साइक्लोवा के साथ आप विमेन कंपेनियन को आप जरूर इसको मिलाकर दीजिए, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और जब आप साथ में देते हैं तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा, साइक्लोवा मार्केट के प्रोडक्ट से स्पेशल क्यों है, हमने इसमें क्या किया है, जो ग्रंथास में आज तक आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ में हजारों सालों से जो डॉक्यूमेंटेड जड़ी बूटियां लिखी गई हैं कि ये जड़ी बूटियां इस चीज पे काम करती हैं, वही सारी जड़ी बूटियों को हमारी कंपनी चूज करती है और अपने प्रोडक्ट में डालती है। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए ना, वो सारी चीजों को ऑलरेडी चूज करके तब इसमें डाला गया है। दूसरी चीज है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, और तीसरा लास्ट 10 साल का एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के पीछे बात करता है, तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, इस मैसेज के पीछे केकेआर सर का बहुत बड़ा हाथ है, केकेआर सर ने ये स्पेशली एक फॉर्मूला आपके लिए बनाया जिसको हम डेला कहते हैं। उनका हमेशा कहना है कि साइक्लोवा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने इसको यूज किया और आप किसी को कुछ भी नहीं बोल रहे और आपको रिजल्ट आ जाएगा बस।